तो व्हेन आई से ऑस्टर का एक्सपेरिमेंट, तो ये क्लासिकली वो पॉइंट था जहां पहली बार ह्यूमंस को आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा हुई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से काफी कुछ सिमिलर है और बहुत कुछ डिससिमिलर है। ध्यान देने वाली बात है बेटा कि अभी तक आपने पूरा जो चैप्टर पढ़े हैं अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी तक, आपने केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सुना है। बहुत समझ में, कई लोग को समझ में आया होगा, कई लोग को समझ में नहीं आया होगा। जिन लोग को समझ में नहीं आएगा उन्हें लगेगा चलो कुछ नया आया है, अब हम पूरी कोशिश करेंगे समझने की। बट ऐसा मत सोचना बेटा, बिकॉज इन दोनों के बाद, एसी के बाद हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, जो डिफाइन किया जाता है दो फील्ड की हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्टिक्स जो है वो चैप्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बाद ही पढ़ना चाहिए, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कहते हैं ना असेंबलेंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड असेंबल होती हैं वो क्रिएट करती है समथिंग नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको ही आप ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। इसी कहानी हम बाद में सुनेंगे। इस कहानी में जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जो आपने क्लास 10th में एक्सपेरिमेंट सुना है, वो एक्सपेरिमेंट कभी किया ही नहीं गया, वो केवल 10th क्लास के बच्चों को समझाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट को का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। याद करिए, अगर आपको याद हो क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया होगा, एक बैटरी यूज की गई होगी, एक बैटरी यूज करते हैं और एक कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं उस बैटरी से, मान लो एक रेजिस्टर भी है, कोई बात नहीं। अभी क्या हुआ, फिर क्या हुआ बेटा कि एक बैटरी बनाई गई, बैटरी इज बेसिकली डीसी करंट, तो मैग्नेटिज्म में भी हम डीसी करंट ही पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट का कोई जिक्र नहीं करेंगे। इसके दो एंड पर हमने एक कंडक्टर को ऐड किया, यहां पर हमने एक कंडक्टर ऐड कर दिया। कंडक्टर वो चीज है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर पाएगा। अब हुआ क्या, जो एक्सपेरिमेंट आपको क्लास 10th में बताया गया है, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, आपसे कहा गया इस कंडक्टर को एक कार्डबोर्ड के थ्रू घुसा दो ऐसे करके, तो कुछ इस टाइप से कार्डबोर्ड के थ्रू इस कंडक्टर को पास कर दो। याद आ रहा है, किसने देखा हो, इस टाइप का एक सर्किट बनाते हैं, मान लो एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर को एक कार्डबोर्ड में ऐसे डाल दिया गया, ऐसे हो गया कार्डबोर्ड। अब क्या किया गया, सर स्विच ऑन करने से पहले यहां पर क्या किया गया, आयरन फिलिंग्स को डाला गया। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ऐसा करा भी जा सकता है बहुत इजी तरीके से। आयरन फिलिंग्स डाल दी गई, जब आप स्विच ऑन करते हो तो आप अगर से टैप करते हो, ये भी आपको बताया नहीं गया है क्लास 10th में, आप उसे जब टैप करते हो तब वो अपने आप एक स्पेसिफिक शेप लेते हैं, और वो शेप कुछ ऐसा होता है, बहुत सारे गोल गोल क्या मिलते हैं, चक्कर, इस टाइप से वो आयरन फिलिंग्स ऐसे गोल गोल चक्कर में अरेंज हो जाती हैं। प्लीज नोट, वो टैपिंग का भी एक कारण है, बहुत जरूरी, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्कर है कि अगर आप टैप करते हो तब वो आयरन फिलिंग्स हवा में आती हैं, तब फ्रिक्शन कम होता है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है उस आयरन फिलिंग्स को आराम से मूव करा पाती है। क्लैरिटी इस बात की, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये याद रखने की जरूरत है बेटा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज अ मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट जो आपको बताया जाता है। एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था उसके बारे में जब बात करते हैं, तो आओ समझते हैं एक्सपेरिमेंट क्या था। इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ करके ऑस्टेड के बाद एक बंदे ने बहुत काम किया इस एक्सपेरिमेंट पे, जिसका नाम है बायट, BIOT, बायट सेवर्ट्स लॉ। उस बंदे ने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड की एक इक्वेशन का फॉर्मुलेशन किया है, जो हम अभी बात करेंगे। आओ एक्सपेरिमेंट समझते हैं क्या हुआ। मान लो जो हुआ एग्जैक्टली, एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय एन एक्सीडेंट, प्लीज नोट इट वॉज प्योरली डिस्कवर्ड बाय एन एक्सीडेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज क्लासिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड, बिकॉज आज अगर आपको दो मैग्नेट दे दिए जाए तो आप क्या ही करोगे, उसको चिपका देखोगे दूर, और क्या ही कर लोगे। मतलब मैग्नेट्स, अगर आपको मैं मैग्नेट देता हूं तो आप उसका कोई यूटिलिटी नहीं है। नॉर्मली यूटिलिटी आपको लगे भाई क्या ही बकवास है, बस ऐसे चिपकाओगे, कभी ऐसे करोगे दो पॉजिटिव नेगेटिव को चिपकाओगे तो चिपक जाएगा, नॉर्थ पोल करोगे तो रिपल करेगा, मजा आएगा भाई साहब, यही होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग ऑल्टरनेटिंग करेंट। जिस करेंट पर दुनिया कायम है, जिस पर हर चीज चल रही है, उसको क्रिएट करने के लिए हमें कौन सी फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। एंड देयरफोर
डिस्कवरी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी. इस डिस्कवरी से पहले ही ह्यूमंस को मैग्नेट्स के बारे में पता चल चुका था. ह्यूमंस को यह पता चला था बाय एन आयरन ओर नोन एज लोड स्टोन. क्या नाम है उसका? लोड स्टोन. और वो लोड स्टोन कहीं किसी एक लोकेशन पे जर्मनी में या फ्रेंच कहां होता मुझे याद नहीं है. वो बेसिकली शेपर्ड जो होते थे उनके पास एक होता ना लोहे की रॉड टाइप, लकड़ी की रॉड के नीचे लोहा होता है, जैसे तुमको बता रखा है, मैं मरो मत. तो बेटा क्लास के बाद पूछे ना, अभी पूछो, जल्दी पूछो, जल्दी पूछो. मिसप्लेस हो गई तुम लोग की. क्यों ना हो, गलत बात हूँ मैं. ये तो क्या कर रहे, मिल लेना चाहते वक्त, बेस्ट इजी. आओ देखते हैं. तो मैंने क्या किया, तो ये शेपर्ड्स होते थे, शेपर्ड्स वो लकड़ी का एक वो बड़ा डिजाइनर टाइप का भाला रखते हैं ऐसे, इस टाइप का, देखा है कभी? तो भाला मतलब वो डंडा होता है वो लकड़ी का होता है, बट लकड़ी ऑब्वियसली घिस जाती है. तो आपने देखा होगा हरिद्वार में भी जो लकड़ियां मिलती है उसके नीचे लोहे का एक कैपिंग होती है कि वो लकड़ी घिसे नहीं. तो ये शेपर्ड जब एक लोकेशन पे गए तो उन्होंने फील किया कि कोई दैवी शक्ति इनके उस भाले को, या क्या बोलते हैं उसको यार, शाफ्ट को, उस शाफ्ट को अट्रैक्ट कर रही थी. तो उन्होंने कहा भाई कुछ तो है यहां पर, ये जो शाफ्ट है उसे अट्रैक्ट कर रहा है कोई यहां पर. तो हमने कहा भैया कौन है, कौन है, कौन है. बाद में पता चला कोई नहीं है, जहां पर गए हो वहां पर आयरन की जो ओर है जिसका नाम है लोड स्टोन वो काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है. और वो पहला एनकाउंटर रहा है ह्यूमंस का विद मैग्नेटिक मटेरियल्स. और उसके लिए एक बहुत अलग चैप्टर अवेलेबल है जो बहुत ही बकवास चैप्टर है, और बहुत सारा चैप्टर हटा दिया गया है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, विच कम्स इन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास. अब क्या हुआ, पहली बार ऑस्टेड ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया उससे ये समझ आया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट की जा सकती है. और वो एक्सपेरिमेंट बड़ा जोरदार था, और उस एक्सपेरिमेंट में एक वायर था, वायर रखा हुआ था उसके उसके टेबल पर, उसमें करंट फ्लो कर रहा था. करंट मान लो यहां से यहां फ्लो कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं. अब हुआ क्या, लेट से विल टेक अ पोर्शन ऑफ दैट वायर, लेट से दिस इज अ पोर्शन, ए बी इज द पोर्शन ऑफ द वायर, और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था. इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज था स्मॉल क्यू, कोई दिक्कत तो नहीं. अब पहला प्रश्न आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि क्या ये जो वायर है क्या ये करंट कैरिंग वायर है? यस, करंट है. क्या इस वायर में ये जो लेंथ हम अज्यूम कर रहे हैं छोटा सा डीएल मान लेते हैं, क्या मानते हैं? डीएल, छोटी लेंथ है, छोटी सी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं. अब आप मुझे बताइए करंट कैरिंग वायर एक चार्ज वायर होता है या एक न्यूट्रल वायर होता है? क्या उस पर एक चार्ज होता है कि नहीं होता है? करंट कैरिंग वायर पर होता होगा चार्ज, नेट चार्ज. क्या एक करंट कैरिंग वायर पर चार्ज होता है या नहीं, एक सिंपल क्वेश्चन. होता है, नहीं होता है, बिकॉज चार्ज कोई देता नहीं कोई लेता नहीं. जितना चार्ज पहले होता है उतना ही चार्ज बाद में होता है. नेट चार्ज पहले भी न्यूट्रल और नेट चार्ज बाद में भी न्यूट्रल, द ओनली डिफरेंस इज वो चार्ज दौड़ रहा होता. But the net charge on a current carrying wire is zero. Q net की वैल्यू, नेट बेटा नेट, Q net की वैल्यू अभी भी क्या होती है? जीरो. तुमने ठीक है, बढ़िया, मस्त, आसान. यानी अगर इस AB की बात की जाए तो ये AB बोलता है मेरे पर कोई चार्ज नहीं है. मैं ठीक है, यहां पर एक चार्ज Q रेस्ट पे रखा है, यहां कोई चार्ज नहीं है, यहां पर रेस्ट पे चार्ज रखा है. तो फोर्स कितनी लगनी चाहिए इसके ऊपर मैथमेटिक्स के हिसाब से? फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर. के क्यू वन क्यू टू, क्यू टू तो है ही नहीं, तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? जीरो. तो भैया एक्सपेरिमेंट किया गया, और एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि इस पर चार्ज, इस पर फोर्स लग रही है, कोई फोर्स नहीं लग रही. ऑब्वियसली देयर वाज नो फोर्स. अब जब मैथमेटिक्स बोल रही है कि कोई फोर्स नहीं होगी तो कैसे हो जाएगी, वो तो बात की बात है. तो एक चार्ज जब रखा गया तो दिमाग ये बोलता है कि नेट चार्ज इस पर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो ही आनी चाहिए, और जब देखा गया तो जीरो ही आई. क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, सब सिंपल है. लेकिन बाय मिस्टेक ये चीज ध्यान दी गई. पहले वाले केस में क्या चार्ज रेस्ट पे था? यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी कोई चीज नहीं है. इस वायर की वजह से, इस चार्ज की वजह से होगी,
पकड़ो भूल जाओ। अब क्या हुआ, यानी अगर रेस्ट पे चार्ज था और उस पर ये करंट कैरिंग वायर कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, जो ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए बिकॉज नेट चार्ज कितना है, जीरो, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लाइफ भी मस्त। बट हुआ क्या, इस चार्ज को एक वेलोसिटी दे दी गई स्मॉल वी, और ये भी एक्सीडेंट से ही आया। इस चार्ज को जब एक वेलोसिटी दी गई तो अगर कोई फोर्स ना लगे तो बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ द इनर्शिया ऑफ मोशन विल बी फॉलोड एंड दिस पार्टिकल शुड हैव गॉन स्ट्रेट। आप जानते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तीन चीजें होती हैं, और तीनों चीजें केवल तब लगती हैं जब नेट फोर्स कितनी हो, जीरो। और अभी अगर इस पर नेट फोर्स पहले जीरो थी तो अभी भी अगर जीरो है, अगर अभी भी ये जीरो है तो इस पार्टिकल का पाथ यही होना चाहिए था, बट जब ये देखा गया तो ये पार्टिकल ये पाथ नहीं आया। देखा ये गया कि ये भाई साहब को जैसे ही वेलोसिटी दी गई ये भाई साहब डेविएट हो गए। डेविएट हुए तो हमें ये समझ आया पक्की बात है कोई फोर्स तो लगी है, पक्की बात है कोई फोर्स तो लगी है, बट वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज जब स्टैटिक्स कंडीशन थी तब वो फोर्स नहीं लग रही थी, यानी इस पर लग रही है कोई फोर्स पक्की बात है, बट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। समझ आया? अब इस फोर्स का कोई नाम ऑस्टेड ने बहुत दिनों तक नहीं रखा क्योंकि तो आइडिया नहीं लग पाया कि फोर्स एग्जैक्टली है क्या, कि फोर्स एग्जैक्टली कौन सा बिहेवियर कर रही है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर एक और एक्सीडेंट हुआ भाई साहब, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट, नॉर्मली ऐसा बोला जाता है, बट आई थिंक ही वॉज डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स कि इवेंचुअली उसको कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कि एक्सीडेंटली हुए उनसे कुछ नए नए रास्ते चले। पहला रास्ता चला कि करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ फोर्स ऑन अ चार्ज इफ इट इज मूविंग, द चार्ज मस्ट बी मूविंग, एंड इफ द चार्ज इज एट रेस्ट देयर इज नो फोर्स। फंडा क्लियर और नॉट? ये पहला इन्फ्रेंस है। फिर एक और इन्फ्रेंस आया कि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं है गारंटीड, बिकॉज अगर वो होती तो वो तब भी लग रही होती जब चार्ज रेस्ट पे होता। दो चीजें समझ में आई। तीसरी चीज ये समझ में आई कि तीसरी फोर्स क्या है उसके बारे में कोई कंक्लूसिव आंसर नहीं था जब तक उसने एक इक्विपमेंट जिसका नाम है कंपस निडल, नाम सुना है कभी? ऐसा एक कंपस निडल होती है, एक तरफ नॉर्थ होता है एक तरफ साउथ होता है। जब कंपस निडल को इस करंट कैरिंग वायर के पास लाया गया तो उसने डिफ्लेक्शन शो किया, तो ये समझ आया कि जो फोर्स है वो मैग्नेट पे लग रही है। ये व्हाट इज कंपस नीडल? इट इज अ मैग्नेट, हल्का सा मैग्नेट जो कि अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए स्वतंत्र है, यस और नो? तो ये नोटिस किया गया कि जो फोर्स करंट कैरिंग वायर लगा रहा है वो कंपस पे लगे हुए मैग्नेट को मूव करा सकता है, और अब तक हम जान चुके थे कि मैग्नेट्स को मैग्नेट मूव करा पाते हैं, मैग्नेट्स को मैग्नेट मूव करा पाते हैं, एंड दैट इज मूव्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो द कंक्लूजन वॉज करेंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेट। ये पूरा कंक्लूजन है, एंड देर आर मोर देन 100 एक्सपेरिमेंट्स डन टू रीच टू दिस कंक्लूजन। माय डियर, क्या हम याद रख पाएंगे? तो हम वो सारे एक्सपेरिमेंट्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल उनकी बात कर रहे हैं जिन पर बेस्ड होने पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिला, जब कुछ हुआ तब की बात कर रहे हैं हम। आया ना? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं आता। शैल आई गो अहेड नाउ? तो आप लिखिए ऑस्टर एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या नोट किया हम केवल ये लिखेंगे। आप चाहिए तो आप ये डायग्राम बना लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एनी हाउ यू स्टिल रिमेन एट दिस लेवल, यू आर क्लास 10th स्टूडेंट इन दिस चैप्टर। अगेन इट इज कई किताबें पढ़ोगे तो लिखा गया है कि इट वॉज प्योरली एन एक्सीडेंट, 3 एक्सीडेंट्स हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स। हाँ, बेटा जो चार्ज रखा हुआ है किसी छोटे से खिलौने के ऊपर, मूव करा दो बेटा, एक बॉल पे चार्ज ले लो और उसको कहीं रख दो, और उसको ऐसे एक शेयर ले लो ऊपर चार्ज रख दो, चार्ज को मूव करा दो। अब शेयर के ऊपर चार्ज रख दिया, उसे मूव कराओगे तो जाना चाहिए स्ट्रेट, बट वो स्ट्रेट गया नहीं, ऐसे मुड़ गया।
नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं बेटा। तुझे लगता है केवल एक एक्सपेरिमेंट किया गया हुआ? ये हिंट आते ही इस पर एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ना केवल इसके इसके ऑस्टर्ड के द्वारा, बायट सेवर्ड के द्वारा, लेंस के द्वारा, फैराडे के द्वारा, इन सबने एक्सपेरिमेंट किया इसके बाद, लेकिन एक्सपेरिमेंट के नाम किसको मिला? जिसने पहली बार किया, जिसने पहली बार किया। बड़ा चार्ज बॉडी, चार्ज पार्टिकल, चार्ज बड़ा चार्ज एब्सोल्यूट तरीके से तो इलेक्ट्रॉन तो रख नहीं दोगे। किसी बॉल पे चार्ज रख दिया, बॉल को रोल करा दिया, रोल करने के बाद सीधे आना चाहिए, डिफेक्ट हो गया। भैया क्या चला गया है कि चार्ज डेबिट हो रहा है बेटा, चार्ज डेबिट होता दिख रहा है जो तेरा क्वेश्चन है। अगर किसी बॉल पे चार्ज रख दो, उसे रोल कराओ, तो सीधे जाना चाहिए, सीधे गया नहीं, मुड़ गया। इट इज सिंपल। एग्जाम एग्जैक्टली डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। लेट मी टेल यू व्हाट इज द रीजन नाउ। मैग्नेटिक फील्ड का इकलौता रीजन है, और वो कहता क्या है, जब तक चार्ज रेस्ट पे रहता है, इट ओनली प्रोड्यूसेस वन फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। द फॉर्मुला इज के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये मैं सबसे पहली क्लास में पढ़ता है। जैसे ही चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चालू करता है, तो वो दो फील्ड्स क्रिएट करता है, एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और अब एक नई फील्ड जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। प्लीज रिमेंबर, चार्ज एट रेस्ट विल गिव यू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, चार्ज लिखाऊंगा मैं, चार्ज इन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते समय प्रोड्यूसेस टू इलेक्ट्रिक टू फोर्सेस और टू फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड एन एक्सिलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड ये पूरा मिला करके इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अभी तक आपने जो कुछ पढ़ा, चैप्टर वन, चैप्टर टू, टिल कैपेसिटेंस तक, चैप्टर थ्री जो भी था, तब तक का कहानी स्टैटिक चार्ज है, चार्ज एट रेस्ट। इसलिए कैपेसिटेंस पढ़ते वक्त हमने कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कोई चर्चा नहीं करी, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करी। यस ऑर नो? लेकिन जैसे ही चार्ज मूव किया, तो पहले हम इस लायक बने कि चार्ज मूव करने पर होता क्या है, जिसका नाम है करंट। करंट के हमने प्रश्नों को बहुत सारे प्रश्न किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, सो दैट वी आर नाउ एबल टू सॉल्व द करंट इन एवरी सर्किट। बाद में हमने एनालाइज किया कि जहां जहां करंट होगा, वहां वहां चार्ज दौड़ रहा होगा, जहां जहां चार्ज दौड़ रहा होगा, वहां वहां कौन सी फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। याद हो गया? थोड़े समय बाद, यानी कि जब आप ईएमआई के बाद, एसी के बाद, ये सब कुछ ईएमआई और एसी तक, चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, स्पीड बोलना चाहिए, वेलोसिटी नहीं, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट टू प्रोड्यूस व्हाट, समथिंग नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। एक समय आएगा जब चार्ज को डी एक्सिलरेट या एक्सिलरेट कराया जाएगा, और तब वो क्रिएट करेगा समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेरी इंपॉर्टेंट इज द एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रो कितने एक्सरे एक्सरे देखी है? फर्जी आदमी, इलेक्ट्रिक एक्सरेज नहीं देखी होंगी, एक्सरे देखा होगा। एक्सरेज कोई इंसान नहीं देख सकता, बट वो क्रिएट कैसे की जाती है, एक मशीन होती है, उसे इलेक्ट्रॉन फेंके जाते हैं आपकी तरफ, और वो एक लोहे की प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, तो वो जब वो एक लोहे की प्लेट पर आकर के स्ट्राइक करते हैं, तो अपनी वेलोसिटी खटाक से कम हो जाती है। कोई चीज मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी खट से कम हो जाए, तो क्या वो रिटार्डेशन हो रहा है? रिटार्डेशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो बहुत सारी होती है, अल्ट्रावायलेट, गामा रेज, रेडियो वेव एंड एक्सरेज ऑल्सो, और एक्सरेज को ऐसे ही प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है भाई साहब? एक्सरेज की हड्डियां ऐसे, वो कहानी अलग है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। नहीं बेटा, गलत नहीं हुए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। अब मैं यहां पर कहीं पर भी डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं करूंगा, बट लेकिन याद रखिए, जब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम दोनों का डिसीजन साथ में अभी नहीं करेंगे, समय के बाद करेंगे,
जब हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड पूरी पढ़ लेंगे, तब साथ साथ पढ़ेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ में हो तो उसे एक नई फोर्स का जन्म देते हैं और उस फोर्स का नाम होता है लॉरेंस फोर्स। क्या होता है? लॉरेंस फोर्स। दैट इज अ फोर्स विच इज कंबाइंड फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। फंडा क्लियर हो गया? मैं पूरा नाम नहीं होता, आगे बात करते हैं। लिखिए, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, डायग्राम ये बना लीजिए। पहला पॉइंट, ऑब्जर्वेशन क्या क्या है। पहला ऑब्जर्वेशन, अ करेंट कैरिंग वायर ब्रैकेट में विच इज न्यूट्रल, थोड़ा फास्ट लिखना पड़ेगा भाई, अ करेंट कैरिंग वायर विच इज ब्रैकेट में न्यूट्रल डज नॉट एग्जर्ट एनी फोर्स, डज नॉट एग्जर्ट एनी फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ऑन अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, ऑन अ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट। पहला पॉइंट, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स या कोई फोर्स नहीं। आई नॉट टोल्ड यू द नेम ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नोटेड दैट द करेंट कैरिंग कंडक्टर एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन, एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन कंडक्टर या वायर, करेंट कैरिंग कंडक्टर वायर जो भी जानो लिख लो, एग्जर्ट्स अ फोर्स, एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग नियर इट, दूर होगा तो पता नहीं चलेगा इसलिए नियर इट लिखना जरूरी है, विच इज मूविंग, विच इज मूविंग नियर इट, फुल स्टॉप, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, द करेंट कैरिंग कंडक्टर results into, the current carrying conductor results into deviating a compass needle, deviating a compass needle kept near it, a compass needle kept near it। ठीक है भाई साहब, लिखिए लास्ट कंक्लूजन। ये तो ऑब्जर्वेशन थे, कंक्लूजन क्या है, जो कंक्लूजन आपके स्कूल वाले मास्टर ने तीन लाइनों में लिखवाया हो तो मैं तीन लाइनें पहले लिखवा चुका हूँ। क्या बताऊं यार, मेरे को भी यही करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ये बिटिया कॉपी, यही मेरे को ही करना चाहिए ना, एंजल थोड़ा सेंड मेरी। फिर क्या तो कंक्लूजन ये है, अ करेंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ फील्ड, a current carrying conductor produces a field which is similar to the field created by a magnet, which is similar to the field created by a magnet named the magnetic field, named the magnetic field। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस इज योर फर्स्ट अंग्रेजी और फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो आपने देखा था वो खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट बुलेट पॉइंट मतलब ये पहला पॉइंट हमारा हो गया। आओ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बट बिफोर गोइंग इन टू द नेक्स्ट पॉइंट लेट्स टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द आइडिया ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट? ध्यान दीजिए, हमने अभी अभी प्रूव किया कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस व्हाट, अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना प्लीज, क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया गया है बी से एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप ये भी जान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। क्या होती है?
टेस्ला, डिनोट क्या आता है कैपिटल टी से, याद रह पाएगा? नहीं बेटा, मैं और किसे लिखा रहा हूं, मैं यही तो कह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला। अभी मैं इसको और डिटेल में बात करूंगा जब मैं मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी यूनिट्स के बारे में बात करूंगा, बट बिफोर वी गो अहेड इतना पता होना चाहिए कि हाँ उसकी यूनिट टेस्ला है, टेस्ला है, टेस्ला है। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। जैसे टकला है, टकला है, टकला है, वैसे टेस्ला है, टेस्ला है, टेस्ला है, ठीक है। मैं मुझे लगा यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। शैल आई गो अहेड नाउ? अब मैग्नेटिक फील्ड जब होगी करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पर फोर्स होगी, वो देखा था। तो यहां से चैप्टर दो भागों में बढ़ जाता है। पहला भाग, नाउ फर्दर स्टडी कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। पार्ट नंबर वन क्या है? पार्ट नंबर वन है फाइंडिंग दी मैग्नेटिक फील्ड, फाइंडिंग दी मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी वेक्टर के नाम से जानते हैं, और क्योंकि ये वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और एक, दोनों आज हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। जब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात की जाएगी तो आपको दो लॉस पढ़ाए जाएंगे। एक लॉ है जिसका नाम है बायट सेवर्ट्स लॉ पूरा नाम है मेरे बच्चे, और बायट सेवर्ट्स लॉ और कुछ नहीं, समथिंग सिमिलर टू द कूलम्स लॉ है। याद करिए, कूलम्स लॉ पढ़ाया गया था क्लास 12th में शुरुआत में, जो कि द बेसिक रूट लॉ है जिससे सारे लॉ बनते हैं। बाकी पिछले चैप्टर में जो कूलम्स लॉ था उसी ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया, उसी ने बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया, उसी ने सब कुछ डिफाइन किया। कूलम्स लॉ इज देयरफॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन चैप्टर 1, 2, 3 जो भी गए आपके भीतर। अब सिमिलरली ये भी है, अब ये प्योरली मैथमेटिकल है, काफी मजेदार है। और आपको याद होगा कूलम्स लॉ हर जगह लगाने में आंखें बाहर आती थी, जैसे कि करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में जहां फॉर्मूले थे के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, याद आ रहा है? तो वो केवल फाइनाइट वायर को डिराइव करने ये काम आता है। इनफाइनाइट वायर को डिराइव करने के लिए एक और लॉ पढ़ाया गया था, नाम है उसका गॉस लॉ। तो यहां पर भी एक गॉस लॉ है सिमिलर टू गॉस लॉ, नोन एज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। बेसिकली करता क्या है ये लॉ, ये आपके गंदे गंदे प्रॉब्लम्स को आसान बनाता तो है लेकिन अपनी लिमिटेशंस, क्योंकि आप जानते हो गॉस लॉ की भी क्या थी लिमिटेशन। गॉस लॉ लगाया हर जगह सकते हैं, यू कैन अप्लाई गॉस लॉ एवरीवेयर, बट लगा पाओगे वो मैथमेटिक्स कंस्ट्रेंट बन जाता है, कहां आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, एंड वही यहां पर हो जाता है। इसलिए आई विल एटलीस्ट 1.5 क्लास में केवल बायट सेवर्ट्स लॉ पढ़ाता हूं, बिकॉज कूलम्स लॉ तो कम से कम 4 या 5 क्लास चला था, ये 2 क्लास तो चलने लायक है। ये आ गया तो अगला सब बकवास है, बिकॉज इस पर हमें केवल 2 डेरिवेशन करने हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ पे हमें केवल 2 डेरिवेशन करने, एक का नाम है सोलेनोइड और एक का नाम है टोराइड। सोलेनोइड एंड टोराइड, सोलेनोइड एंड दूसरा आता है टोराइड। इस चैप्टर में सोलेनोइड के ऊपर डेरिवेशन एग्जाम में जरूर आता है, सोलेनोइड के ऊपर डेरिवेशन इस चैप्टर में जरूर आता है, ध्यान देने वाली बात है। पार्ट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर इज, अगर आप एक अच्छी किताब उठाते हैं, सुरेंद्र लाल हो गई या एच सी वर्मा हो गई या रेसिंग हरडे हो गई, तो हर चैप्टर हर बुक में दिस इज मैग्नेटिज्म इज 3 चैप्टर्स। द फर्स्ट नेम इज इसका फाइंडिंग फोर्स, नॉट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। ये दूसरा पार्ट है चैप्टर का जहां पे आप बहुत सारे फॉर्मूले सीखते हो, और यहीं पर आप इवेंचुअली सीखते हो लॉरेंस फोर्स, इसी में आप सीखते हो वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में, सब बारे में बात करेंगे। तो अगर आप समझिए
इस चैप्टर को अगर डिवाइड किया जाए परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, तो 50% ऑफ द चैप्टर, 50% ऑफ द चैप्टर इज बायट-सेवर्ट लॉ ओनली। बायट-सेवर्ट लॉ अगर आपको आ गया तो बाकी का 50% बकवास है, क्योंकि वो ज्यादातर अंग्रेजी है। बायट-सेवर्ट लॉ आना और उसको अप्लाई करना दोनों में बड़ा डिफरेंस है। ये उतना इजी नहीं है जितना इजी आपने कूलम्स लॉ देखा था, क्योंकि कूलम्स लॉ वॉज वेरी इजी, इट वॉज ऑलवेज अ फोर्स विच वॉज इन प्लेन, वो उसी जिस प्लेन में चार्ज पार्टिकल रखे थे, फोर्स केवल उसी प्लेन में आती थी। लेकिन इसमें फोर्स कभी भी प्लेन में आती ही नहीं, हमेशा प्लेन के बाहर अंदर, कभी इधर कभी उधर आएगी। इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए क्या आना चाहिए, बायट-सेवर्ट लॉ के बाद जो भी पढ़ाया जाएगा उसके पहले आपको एक चीज आनी चाहिए। अगर एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक वेक्टर बी वेक्टर है, और अगर मैं बोलूं सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, याद आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, एवरी फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर विल बी अ क्रॉस प्रोडक्ट, एवरी फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल पहला फॉर्मूला बायट-सेवर्ट लॉ का, म्यू नॉट आई बाय चार पाई डी, म्यू नॉट आई बाय चार पाई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको ऐसे बोला जाता है, म्यू नॉट आई बाय फोर पाई आर क्यूब डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। फिर आएगा एफ बराबर वी इंटू क्यू, क्यू इंटू वी क्रॉस आर। फिर फॉर्मूला आएगा एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई वन क्रॉस आई टू, बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, आते जाएंगे भाई साहब, सब में कौन आएगा, और जिसे क्रॉस नहीं आएगा उसे कुछ, इसलिए मैं 10 मिनट लगाऊंगा उसके ऊपर, उसके ऊपर तो बताने वाला हूं नहीं आपको, ऑलरेडी मैंने क्रॉस में डांस करना सिखाया है पहले कभी, अगर आपको याद आ रहा हो। आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया, आओ शुरू करते हैं बायट-सेवर्ट लॉ। और अगर आपको याद हो तो कूलम्स लॉ का कोई प्रूफ नहीं था, बायट-सेवर्ट लॉ का कोई प्रूफ नहीं है, इट इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल लॉ, बट सच्चा सच्चा सॉलिड एक्सपेरिमेंटल लॉ की हर जगह वैलिड है। ठीक है भाई साहब, पहले इस लॉ को समझते हैं कि ये लॉ कैसे, कहते हैं ना, ओरिजिनेट करता है। तो ये बार बार मैं, आपने नोटिस किया होगा, बार बार मैं वो सांप जैसा वायर बना रहा हूं, जरूरी नहीं है सांप जैसा बने लेकिन जानबूझ के बनाया जाता है। हाँ, इंटीग्रेशन की याद दिला रहा हूं, क्योंकि सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत, इसमें इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं आया, डोंट वरी अबाउट इट। तो इंटीग्रेशन का भी बाप है इसमें, क्रॉस प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन तो ईजी होता है, जब 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 कॉस प्रोडक्ट आएगा ना बेटा तो आंखें भर जाएंगी, विद इंटीग्रेशन तो मजा ही आ जाएगा। अब आगे, अब ध्यान दीजिए, ये पूरा वायर मैंने जानबूझ के स्टेट नहीं लिया, कोई सा भी लहराता हुआ वायर। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे ये, और इस एलिमेंट की लेंथ हम डिफाइन करेंगे डीएल है, क्या बच्चे, डीएल। प्लीज नोट डीएल इज नॉट ओनली डीएल, डीएल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डीएल क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, डीएल वेक्टर डीएल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, डोंट कॉल इट आई वेक्टर प्लीज, डायरेक्शन ऑफ करेंट, जिस डायरेक्शन में करेंट होता है उसी को डीएल वेक्टर की डायरेक्शन मान लिया जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक काम करते हैं, कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं स्पेस में, लेट्स से पॉइंट आ गया यहां पर पी पॉइंट, और आपसे पूछा गया इस डीएल वेक्टर की वजह से, इस डीएल वेक्टर की वजह से व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम क्या है, डीएल वेक्टर की लेंथ निकालना जो कि आपको मिल चुकी है, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन निकालना जो कि आपको मिल चुकी है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करेंट। अगला काम है समथिंग कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी लिखना विद रिस्पेक्ट टू डीएल वेक्टर। तो ध्यान सुनिए, डीएल वेक्टर की जो शुरुआत हो रही है वो यहां से हो रही है और अंत यहां हो रहा है, बट क्या लेंथ बहुत छोटी है, तो मैं शुरुआत पर, मैं आपको एक कहते हैं ना एल्गोरिथम बता रहा हूं, आप डीएल वेक्टर की जो शुरुआत है उस पर एक वेक्टर रखिए जिसका टेल हो, क्या हो, टेल, और पी पॉइंट पे रखिए उस वेक्टर का हेड, और इस वेक्टर को नाम दीजिए आर वेक्टर, क्या नाम दिया, व्हाट इज आर वेक्टर,
आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू डीएल वेक्टर, विद रिस्पेक्ट टू डीएल वेक्टर। और यहां पर डब्बे में बना के लिखिएगा, डब्बा स्टार 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 एरो ऑफ आर वेक्टर मस्ट बी ऑन द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है उस पॉइंट पर ही आपका वेक्टर का क्या होना चाहिए, एरो। याद आ गया। और आर वेक्टर लिखना आप सीख जाओगे धीमे 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 धीमे। कितने वेरिएबल हो गए, डीएल हो गया और आर हो गया, ठीक है बच्चे। फिर आता है अगला वेरिएबल। ये सारे वेरिएबल पर कहानी की गई, इन सारे वेरिएबल पर चर्चा की गई और इन सारे वेरिएबल पर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया गया है। प्लीज नोट, इन सारे वेरिएबल पर नहीं, बहुत सारे और वेरिएबल पर, बट केवल ये जो चार या पांच वेरिएबल हैं उन पर मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड होती दिखाई दी है। अगला वेरिएबल है थीटा। कौन सा वेरिएबल है, थीटा। ये क्या है, एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये कहां पर है, ये मेरा थीटा है। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, यहां तक छाप ली हो तो आगे बढ़े। थीटा आप किसी से भी ले सकते हैं नॉर्मली हम, लेकिन हम याद रखिए हम डीएल से लेते हैं, डीएल क्रॉस आर आएगा ना, तो मैं चाहूंगा कि आप डीएल से मानिए। वैसे फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज दो ही वेक्टर हैं तो किसका एंगल ले रहे हो फर्क पड़ता नहीं। लेकिन डीएल क्रॉस आर करना है कि आर क्रॉस डीएल करना है, वो फॉर्मूला बताएगा, वो क्यों बताएगा, फॉर्मूला बताएगा। तो नोटिस ये किया कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आती है, क्या आती है, और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी क्या भैया। तो देखा यह गया है कि मैग्नीट्यूड के बारे में अलग चर्चा करो और जैसा आपको आज तक पढ़ाया है डायरेक्शन के बारे में अलग चर्चा करो, तो और दोनों को कर दो बाद में कंबाइन, एंड दैट इज इजियर। तो देखा यह गया है कि इस पर, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी आती है, इट इज प्रोपोर्शनल टू डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² सिमिलर टू द कूलम्स लॉ। आर स्क्वायर पर ही करती है, कूलम्स लॉ भी 1/r² के ही प्रोपोर्शनल होता है, याद करो K(Q1, Q2)/r². अगर इनको कंबाइन किया जाए तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने गए तो फॉर्मूला आता है म्यू नॉट बाय चार पाई इंटू IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट आवर ब्यूटिफुल बायट-सेवेट लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। हाँ, हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तू वहां से एंगल ले, सेम आएगा एंगल। मैंने कहा जब ये मैं बोल रहा था मेरे बच्चे, तभी मैंने कहा कि मैं एक एल्गोरिथम बता रहा हूं कि हमेशा जानबूझ के स्टार्टिंग से ले, एंगल में चेंज आएगा ही ना बेटा, छोटू है भाई साहब, एंगल दोनों में बराबर आएगा पर देखने में सुंदर नहीं आएगा। बेटा डीएल क्यों लिया जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड उस केवल डीएल से आ रही है, उसकी निकालनी है हमको कि पूरे वायर की निकालनी है, फिर क्या करोगे सांप, डीबी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जब जब हर बार डीएल बनाओगे, हर बार डीएल के, डीएल तो बहुत छोटा सा है,
और उसकी लेंथ बनाना कि दिखाई दे हाँ ये डीएल है, और उसके स्टार्टिंग से एंगल लिखना। तो किसी एक ये फॉर्मुलेशन है, मैं आपको इसका फॉर्मुलेशन सिखा रहा हूं, आप सीख जाओगे, अपने आप आंसर कर पाओगे हर चीज का। देर विल बी एटलीस्ट 20 फॉर्मुलेस जो आप डिराइव करोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, 20 फॉर्मुलेस विच कैन बी यूज डायरेक्टली, एंड हर फॉर्मूला अलग अलग होगा। तो उसको याद करने के लिए मैं एक तरीका सिखाऊंगा। एक टर्म हमेशा सेम रहेगा, मीनॉट आई बाय 4πd, मीनॉट आई बाय 4πd, 4πd मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। मीनॉट बाय 4πi इज दी कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल, बता रहा हूं बेटा, इट इज नॉट अ फिक्स वैल्यू, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम। इस पर डिपेंड करता है मीडियम पर। यस, व्हाट इज म्यू नॉट बाय 4πi की वैल्यू? इट इज वेरी गुड, क्या बात है, आज सालों साल बाद पढ़ के आई है। म्यू नॉट बाय 4πi की वैल्यू होती है 10^7। आगे बताए यूनिट कहां है, कहां गई यूनिट, क्या है बता? टेस्ला मीटर पर एम्पियर इज राइट आंसर मेरे बच्चे, एकदम सही, टकला मीटर पर एम्पियर। अटक ले, टेस्ला मीटर पर एम्पियर कैसे आया? बी कितनी है? यूनिट बोल रहा, यूनिट। वैल्यू कहां से आई? एक्सपेरिमेंट से, डोंट आस्क मी कहां से आई। यूनिट कहां से मैं सिखा रहा हूं, इसकी यूनिट कितनी है? टेस्ला, टकला टेस्ला जो भी है। आई की यूनिट क्या है? डीएल की यूनिट क्या है? मीटर। साइन थीटा की यूनिट क्या है? कुछ नहीं। अपॉन क्या है? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला इज इक्वल टू म्यू नॉट की यूनिट बाय 4πi की यूनिट नहीं है, एम्पियर मीटर बाय मीटर स्क्वायर, टाटा। तो म्यू नॉट की यूनिट क्या आ गई? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। यूनिट याद हो गई, वैल्यू भी याद रखिए, 10^7, लेकिन किसके लिए? वैक्यूम के लिए। किसके लिए? वैक्यूम के लिए, ओनली फॉर वैक्यूम। एज सून एज दिस वैल्यू चेंजेस, म्यू नॉट की यहां पर म्यू एम आ जाएगा, और साथ में एक वहां पर एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता था, यहां पर एक परमिएबिलिटी कांस्टेंट आएगा और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, प्योरली मीडियम। तो व्हाट इज म्यू नॉट? व्हाट इज म्यू नॉट लिखिए, म्यू नॉट इज नोन एज, हाँ पहले लिख लो आराम से, जल्दीबाजी नहीं है कुछ भी। हाँ, म्यू नॉट बाय 4k पूरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, 4πi, 4k कहां से? 4πi कहां के, कहां लिख सकते हैं? तो मैं कूलम्स लॉ को गॉस लॉ से प्रूव किया गया था, इसीलिए ACL से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब यहां पे एक और बात आ गई बच्चों, कंफ्यूजन इसलिए होता है कि मैंने कहानी इतनी सुनाई, अब उस कहानी में खो गया बच्चा, वो कहानी अलग मूवी थी और ये दो अलग मूवी हैं। वो कहानी थी मिशन इम्पॉसिबल 4 लेट से, और ये कहानी क्या है? एक अलग कहानी जहां मैं केवल करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहा हूं। चार्ज जैसी कोई चीज, चार्ज तो बाद में आएगा भाई साहब, दोनों को मिक्स मत कीजिए। चार्ज पे लगाने वाली फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स तो तब आएगी जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने लिखा म्यूनॉट इज नोन एज, म्यूनॉट इज नोन एज परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। वो याद है, वहां पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, और यहां पर क्या है? परमियबिलिटी। दोनों सेम बातें नहीं है, दोनों सेम नाम है, दोनों का काम सेम है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या था? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मीडियम टू इलेक्ट्रिक फील्ड। परमिएबिलिटी क्या होगा? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मीडियम टू मैग्नेटिक फील्ड।
बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो तो के भी था ना, तुम लोग पता नहीं देखो मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना, यहाँ पर म्यू नॉट डिफाइन करता है कि जितना ज्यादा म्यू नॉट होगा, पहली बात तो म्यू नॉट जब आप वहां पर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करते थे के को, तो डिनोमिनेटर में करते थे, यहां पर वहां मल्टीप्लाई करते थे, यहां डिवाइड करते हो, कॉन्स्टेंट की खेल है ना। तो यहां पर क्या लिखा गया, म्यू नॉट इज नोन एज परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ब्रैकेट में वैक्यूम एंड इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मीडियम टू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा क्योंकि बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, दोनों बातें सेम तो है ही नहीं ना, तो इसे नाम चेंज कर दिया गया। क्या बच्चे प्रश्न है क्या बेटा, बता। हाँ बोल बोल बेटा, कुछ क्वेरी है पूछ ले फिर, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, सबको आ गया, बहुत मजा आया। लेकिन ये है मैग्नीट्यूड का है जी, हमने कहा डायरेक्शन। अब ध्यान सुनना, डायरेक्शन निकालने के लिए हमने इसका वेक्टर फॉर्म भी यही लिख लिया। वेक्टर फॉर्म क्या है, डायरेक्शन मैं यहां बताऊंगा लेकिन वेक्टर फॉर्म क्या है, सर हमने अभी भी सीखा db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय चार पाई dl साइन थीटा बाय बाय r स्क्वायर, ठीक था बेटा। ध्यान दीजिएगा, db वेक्टर की जब बात की जाती है तो db वेक्टर का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई बाय चार पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर का मॉड का, एक मिनट, आर वेक्टर के मॉड का क्यूब। अब दिमाग में घंटी बजती था ना, ये कैसे आया, आखिर ये आया कैसे, बता रहा हूं ना, रुक जाना यार, दिमाग में घंटी बजती था ना, ये आया कैसे। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास तो ये फॉर्मूला आया था ना, तो हमने इस फॉर्मूले में कुछ खेलना चालू किया, हमने देखा म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई बाय चार पाई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर था कि नहीं था, हमने आर से मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड किया, कर सकते हैं हमेशा, इसलिए किया गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, एक क्या है ये, तो इसका मतलब है वो दो वेक्टर के प्रोडक्ट से आ सकती है, और अगर आप ध्यान दें तो जितने भी वेरिएबल हैं इसमें केवल दो वेक्टर अवेलेबल हैं, एक डीएल और एक आर, तो पक्की बात है ये इनका ही प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये एक सोच है, इस सोच के आधार पर यू गॉट दी वैल्यूज एंड देन इवेंचुअली लेंस भैया ने बताया कैसे डायरेक्शन, इवेंचुअली वी हैव द डायरेक्शन कैसे आती है, क्या आया देखो, ध्यान दो, नहीं कर सकती क्योंकि बेटा दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट विल ओनली गिव यू प्रोडक्ट, विल ओनली गिव यू अ वेक्टर व्हेन यू हैव अ क्रॉस प्रोडक्ट, डीएल वेक्टर डायरेक्शन में आई नहीं थी, अगर वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता था कि वो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाए, एग्जैक्टली आर के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन वो एक गलत धारणा है समझाने वाली, मैं समझा रहा हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा, आर के यूनिट वेक्टर को डिफाइन, यहां बच्चों ने बहुत दिमाग लगाया, कई सारे लोग गलत भी पढ़ाते हैं, गलत क्या पढ़ाते हैं, वो इसी पे लिख देते हैं ऐसे कि सर db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय चार पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, वो गलत है, वाई गलत है ध्यान दीजिए, इवेंचुअली वो डेफिनेशन से आ रहा है, डेफिनेशन इसका मतलब यह हो गया कि db की जो डायरेक्शन है वो r कैप की डायरेक्शन के अलोंग है, जो कि अटर नॉनसेंस है, ऐसा नहीं होता है,
बाय एक्सपेरिमेंट्स ये भी नोटिस किया गया. क्यों हम यहां पहुंचे, क्यों हम यहां पहुंचे बेटा, हम इसलिए यहां पहुंचे क्योंकि हमने ये नोटिस किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उसकी डायरेक्शन डीएल पर भी परपेंडिकुलर आ रही थी और आर पर भी परपेंडिकुलर आ रही थी. तो ये नोट किया गया था. इट वॉज, मैं लिखवा दूंगा बीच में, इट वॉज एक्सपेरिमेंटली नोटेड ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर. ऐसा कौन सा वेक्टर करता है? क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये सब कुछ मिलकर के एक बड़ी पिक्चर बनता है कि हाँ भाई क्रॉस प्रोडक्ट है. तो ये क्या हो गया, आर से आर को मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया म्यू नॉट आई बाय चार पाई, ये आ गया डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यू. डीएलआर साइन थीटा क्या बोल सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय चार पाई ब्रैकेट में डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का क्यूब. यहां पर बच्चा एक और प्रश्न पूछ सकता है और वो ये है, सर जी डीएल क्रॉस आर क्यों, आर क्रॉस डीएल क्यों नहीं? क्योंकि डायरेक्शन निकाल के देखी हमने, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, डीएल क्रॉस आर भी हो सकता है और आर क्रॉस डीएल भी हो सकता है. लेकिन जब हम दोनों लगाए तो जो सही आया वो राइट हैंड थंब रूल से आया, बाद में अभी पढ़ते हैं. तो हमने कहा भाई ये सही वाला तो ये है, तो हमने डीएल क्रॉस आर को ले लिया और कर लिया. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, दिस इज ओनली अ रिक्वायरमेंट फॉर स्कूल एग्जाम्स, दैट इज ओनली बाय कंपल्शन दैट आई हैव टू टीच यू दिस. आई विल नेवर यूज दिस फॉर्मूला एवर. नहीं, एकदम सही है, एकदम सही फॉर्मूला है. क्योंकि ये फॉर्मूला अगर कभी यूजफुल हुआ तो केवल एक केस में हो सकता है कि आर वेक्टर भी दे रखा है डीएल वेक्टर भी दे रखा है, तो बचाई क्या, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो खेल दो. ऐसे प्रश्न शायद ही कोई पूछता है. डेरिवेशन में एक लौता अप्रोच होना चाहिए और वो ये है कि आप मैग्नीट्यूड निकालिए और डायरेक्शन को बुद्धि से निकालिए. बुद्धि नहीं, यहां भी मैथ्स घुसाएंगे, चिंता मत करो. पहले यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी दोनों में ना, एकदम बेटा दोनों में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. और एक्सपेरिमेंटली जो डायरेक्शन सही हो, एक्सपेरिमेंटली जो डायरेक्शन सही हो वही फॉर्मूले का प्रारूप लेती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सर्कुलर मोशन याद हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो अगर ये बॉडी यहां से यहां, तो ये तो होता है आर वेक्टर. और अगर बॉडी ऐसे घूम रही है गोल गोल ऐसे, तो ओमेगा कहां आएगा, ओमेगा. अपनी राइट हैंड की उंगलियों को इस डायरेक्शन में घुमाइए जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है, तो अंगूठा बाहर आ रहा है, तो ओमेगा कहां है, ओमेगा कहां है, बाहर. बोलो हाँ या ना. अब जो वेलोसिटी आती है वी वेक्टर, ये लिखना मत, अब जो वेलोसिटी आती है वो भी इनका प्रोडक्ट है. अब वो दोनों हो सकती है, आर क्रॉस ओमेगा भी हो सकती है और ओमेगा क्रॉस आर भी हो सकती है. अब कौन सा है चेक करते हैं, ओमेगा कहां है, बाहर, नहीं आर कहां है, इधर, आर किधर है और ओमेगा कहां है, बाहर. अंगूठा कहां आ रहा है, तो क्या वेलोसिटी इधर होती है, इधर नहीं होती है. चलो एक बार ओमेगा क्रॉस आर करो, तो ये वाला सही आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला सही है. एंड दिस इज द वे आई हैव टॉट यू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कैसे आप डिसाइड करते हो जब आप फंस जाते हो कौन सा है कौन सा है. हर जगह ऐसे होता है, हर जगह ऐसे होता है भाई. जहां अभी बेटा भी सिखाऊंगा, अब बेटा ये सब तो मैं पूरा का पूरा सिखा. ओमेगा कहां है, ओमेगा बाहर, इधर ओमेगा बाहर है और आर इधर, इधर राइट हैंड थंब रूल. आगे बढ़, अभी हम करेंगे, अभी हम ये भी करेंगे. कब करेंगे, डायरेक्शन हटा दो इसको पूरा, डायरेक्ट लिख लो इसको. तो यहां पर बड़ा बड़ा लिखो क्या सर, डीबी वेक्टर क्या आ गया, डीबी वेक्टर आ गया म्यू नॉट बाय चार पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब. यहां से हम ये समझ में आता है यहां, हां तो 30 बार लिखो लेकिन याद रहना चाहिए.
यहां पर मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं, बहुत सारे जगहों पर इसको इस तरीके से नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत सारी किताबें भी ये गलत लिखती हैं। और वो क्या लिखती हैं, डीबी आ गया, उन्होंने कहा भैया देखो म्यू नॉट बाय चार पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर है। अब गलती आ जाती, बहुत जबरदस्त गलती, खतरनाक गलती, जो कि स्वामी ने भी लिखा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इन लोगों ने, पक्की बात है कि सर इसको आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो। आर कैप इज यूनिट वेक्टर अक्रॉस आर, मैथमेटिक्स सही हो जाएगी, बट मैथमेटिक्स में ना फिजिक्स का पूरा ध्यान रखना होता है। मैथमेटिक्स सही हो रही है बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग, आर कैप से मल्टीप्लाई आप जो कर रहे हो वो मैथमेटिक्स से कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इवेंचुअली फॉर्मुला सेम हो जाएगा। व्हाट इज, एक मिनट, व्हाट इज, मैं बता रहा हूं गलती क्या है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, बस एक मिनट। ये गलती बहुत बड़ी गलती क्यों है, ये आर कैप लिख के बंदा खुश होता है कि हाँ आ गया, फिर वो गलती क्या करता है, म्यू नॉट बाय चार पाई लिखता है, आई लिखता है, डीएल साइन थीटा लिखता है, आर स्क्वायर लिखता है, और आगे आर वेक्टर बाय आर लिख देता है। नीचे आर क्यूब आ गया ना, ऊपर गड़बड़ हुआ है बहुत बड़ा, ऊपर बोलता है अच्छा अभी आर क्रॉस डीएल क्रॉस आर है, ये डीएल क्रॉस आर नहीं है, डीएल क्रॉस आर के फॉर्मूले में आर डीएल साइन थीटा में आर और डीएल का मैग्नीट्यूड होता है, और ये बता रहा है कि डीबी इज अलोंग आर कैप, जो एकदम ब्लंडरस है, बहुत सारी किताबों में यही लिखा जाता है टू जस्ट टू रीच टू अ कंक्लूजन कि हाँ फॉर्मूला वही आ जाए, फॉर्मूला वहां पर गलत हो रहा है। इस पॉइंट का एग्जैक्ट मतलब यह है कि डीबी इज अलोंग आर वेक्टर, विच इज नॉन सेंस। ना ना यार, वॉट इज आर डीएल क्रॉस आर, इट इज डीएल इंटू मॉड आर, और यहां क्या आ रहा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर। हाँ तो डीएल नीचे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, फॉर्मूला खत्म हो जाएगा, बेटा डीएल कैप, डीएल कैप तो आप एक बात सुनो, आप यहां तो एक और ब्लंडर को छुपाने के लिए एक और ब्लंडर कि आर बी वेक्टर में एक आर कैप मल्टीप्लाई किया और एक डीएल कैप मल्टीप्लाई किया, मतलब आपसे पूछा गया किसकी डायरेक्शन में है बी वेक्टर, आर कैप की डीएल कैप की, आप मल्टी, अरे यार जब आप मल्टीप्लाई करते हो आर कैप से यूनिट वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर का काम क्या है, डायरेक्शन देना, तो जैसे ही आपने आर कैप लिखा वैसे ही आपने सहा कर दिया पूरे बाय सेवर्ट लॉ को, क्योंकि आपका मतलब है कि डीबी इज अलोंग आर कैप, डीबी इज अलोंग आर कैप नॉनसेंस है, कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा बोलता नहीं है, तो कैसे आया वो मैंने लिखवाया, मॉड मॉड से मल्टीप्लाई करना है, आर कैप से कभी नहीं करना। स्कूलों में भी बहुत सारे लोग कराएंगे, मैं तेरे को नहीं बोल रहा बच्चे, बहुत सारे स्कूलों में भी आर कैप लिखवाएंगे और आप वहां पर पॉइंट आउट करेंगे कि आर, अगर करते हो तो साले तुम करोगे नहीं, आर वेक्टर है, वहां आर वेक्टर है, डीएल क्रॉस आर, आर वेक्टर कभी नहीं आ सकता, मॉड मॉड खेलते हैं उसमें, है ना बेटा, क्या बोल रहे, बोल क्या बोलना था, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, छाप लिया। अब हमने कहा फॉर्मूला सेम है और वही तो बेटा केवल फॉर्मूला, ये मैं बार बार बोल चुका हूं कि अगर मैथमेटिक्स सेम है तो फिजिक्स गलत नहीं हो सकती, अभी भी मैथमेटिक्स सेम थी लेकिन तुमने मैथमेटिक्स से एक अगला स्टेप अपने आप लिख दिया, आर वेक्टर को तुमने आर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया फिर आर क्रॉस आर, वो नहीं हो सकता, वो मैथमेटिक्स का पूरा दोहन है भाई साहब, गड़बड़ कर रहे हो आप मैथ के साथ। तो क्या हुआ, यहां से हम एक बहुत क्लासिकल चीज पर पहुंचे और वो ये पहुंचे, इट इज नोटेड दैट db vector is along dl vector cross r vector, तो dl cross r निकालना आ गया तो डायरेक्शन निकालनी आएगी। बोलो जी, आओ जरा वापस जाते हैं और पूछ के आते हैं इससे। अबे करंट, हाँ सर ऊपर जा रहे हैं सर dl कहां है सर, dl सर हमारा ये है सर, करंट हमारा ये है सर, क्या डीएल वेक्टर ऊपर हो गया, क्या मेरे बच्चे डीएल वेक्टर ऊपर हो गया ऐसे, और आपको जिस पॉइंट पर निकालना है वहां पर क्या लिखना है,
और वहां से क्या बनाना है, और एंगल मेरा क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं पूछूंगा, ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर। अब चुप रहना। तनिष्क, बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन यू हैव टू गिव मी 8,26,000 रुपीज। मैंने कैलकुलेशन की थी, 25% पर डे के इंटरेस्ट के हिसाब से वो 1,000 रुपए 28,00,000 रुपए हो गए। अब दो दिन बढ़ गए 30,00,000 हो गए होंगे। ठीक है सारे दे जाना। अब तुम बताओ, वॉट इज डीएल क्रॉस आर, डायरेक्शन क्या है? नवी क्लास, दसवीं नहीं, 11वीं क्लास में पढ़ाया था। बहुत मुझे पता है, पर डे बोला बेटा, वो भी मेरी मर्जी, पैसा मेरा है, मेरी मर्जी, इंटरेस्ट मेरा। अबे देखो उतने बिके ही नहीं। आगे बढ़े, बता भाई अंदर कैसे, क्या बात डीएल। अबे राइट हैंड आओ जाओ, राइट हैंड, सबका राइट हैंड देखिए। अगर आप लेफ्टी हैं तब भी राइट हैंड ही निकालिए, मैं भी लेफ्टी हूं। अब आ जाओ डीएल की तरफ, उंगलियां रख दो, हाथ रख दो साले पूरा, राइट हैंड। अब हाथ रखने के बाद अपनी उंगलियों को आर की तरफ घुमाओ, ऐसे तो नहीं, ऐसे नहीं, उंगलियां घूमने मतलब ये होता है, ऐसे नहीं पूरा पूरा हाथ ही घुमा दिया ना, ऐसे। और नॉर्मली आप अपनी उंगलियां ऐसे ही घुमा देते हैं। अब ठीक, अब डीएल वेक्टर ऐसे, मैं चुप हो जा रहा, डीएल वेक्टर ऐसे, आर उधर है, घुमाओ उंगलियां, ऐसे घूम नहीं पा रही, कोई नहीं ऐसे रख देंगे यार, मेरी मर्जी है यार, मेरा हाथ है, ऐसे रखू, ऐसे रखू, ऐसे रखू, जैसे मर्जी वैसे रखू, बट हाथ ऐसे रखना है कि उंगलियां, कलाई नहीं, उंगलियां दूसरे वेक्टर की तरफ घूमनी चाहिए। तो अगर मैं ऐसे हाथ रखूं और अपनी उंगलियों घुमाऊं तो घूम रही है, अंगूठा कहां है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनसाइड, नहीं आया, हाँ तो क्रॉस लिखा, यहां तक कोई दिक्कत। तो इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड कहां है, लेट्स रिकैप, ए क्रॉस बी डायरेक्शन इनटू द प्लेन, एकदम सही बच्चे जो आप बोल रहे हो। एकदम समय बेटा, जब दूसरा मीडियम आएगा, और दूसरा मीडियम बहुत देर में आएगा, जब हम पढ़ रहे होंगे सोलेनोइड, तभी जो म्यू नॉट नामक वस्तु है वो चेंज जाएगी म्यू एम में, जो कि होगा म्यू नॉट बाय के, वो भी के ही लेंगे हम। तो ध्यान सुनिएगा, अभी उसके लिए परेशान मत होइए, अभी आने वाले सारे समय में हम केवल केवल और केवल क्या लेंगे, वैक्यूम। अब उतने में कर लो भाई साहब, उन्हें आंखें बार हो जाती हैं। क्यों आंखें बार बताएं, ये नहीं करना आता लोगों, और देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो रिकैप करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का रिकैप मैं सिखा रहा हूं, अंग्रेजी नहीं लिखाऊंगा कि ए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ए से बी की तरफ उंगलियां घुमाइए, जहां अंगूठा जाए राइट हैंड का वहां सी वेक्टर आता है, तुमको नहीं आता है। आओ देखो, सी वेक्टर क्या है, लेट से सी वेक्टर इज ए वेक्टर क्रॉस, बच्चों प्लीज आप ध्यान दीजिए, एक और नोटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस नोटेशन का नाम है वेक्टर क्या है, एक एरो। अगर वो एरो आपकी तरफ आएगा तो आपको इसकी क्या दिखाई देगी, टिप। तो अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसे बनाता हूं, यानी कि आउट ऑफ दी प्लेन, एंड अगर मैं उसे क्रॉस बनाता हूं तो इनटू दी प्लेन, जब एक एरो अंदर की तरफ जाएगा तो आपको केवल क्रॉस पीछे वाला पार्ट दिखाई देगा जो कि एक क्रॉस होता है, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो बच्चा। आओ एक क्रॉस भी खेलते हैं। अब आपको मैं बहुत गंदे गंदे सवाल दूंगा, शुरुआत एक सिंपल सवाल से, और मैं बच्चे से पूछूंगा, और जिसको नहीं आया उसको यही बुलाऊंगा, तो कृपया करके शांत रहिए, जिससे पूछूं बस वही आंसर देगा, जो ज्यादा हीरो बनेगा उससे मैं खतरनाक क्वेश्चन पूछूंगा, जो नहीं बता पाया सौटा भटक करेगा, तो यहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। आंसर मैं जिससे पूछूंगा केवल वो देगा। पहला प्रश्न बहुत इजी है, ये मेरा वेक्टर बी है और ये वेक्टर मेरा ए है, और याद रखिएगा उंगलियां जो घुमाते हैं छोटे वाले एंगल पे ही घुमा सकते हैं, ऐसे नहीं घुमानी है,
बेटा मैंने बोला ना, कुछ बोला ना? हाँ नहीं बोल, मैं मेरे को पता है ना बेटा। हाँ तो मैंने कहा अनन्या कवाट्रा बताइए ए क्रॉस बी किधर है, बता 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 आराम से बता, कुछ जल्दी नहीं। अरे हमें पता है, तुमको पता है, ऑनलाइन वाले खुश हो रहे हैं। तो हमें आंसर नहीं देना है बाहर। अरे भैया ए इधर है और बी इधर है, अंगूठा किधर है? हाँ तो सी वेक्टर किधर आ गया? अभी तो आसान है, अभी तो क्या है आसान है, आसान प्रॉब्लम लिखते रहिएगा। ऐसा नहीं हम शादी में आए हो, तुम भी शादी में आओ, मजा आ रहा है, ये नहीं। तो भाई साहब कृपया करके क्वेश्चन लिखते रहिएगा। अगला, मैंने कहा ए वेक्टर यहां है और बी वेक्टर यहां है, ए क्रॉस बी बताएगी मेरे को, बताएगा हर्षिता, बताइए हर्षिता ए क्रॉस बी किधर है? पक्का अंदर की बाहर? ए पे हाथ रखो, बी पे घुमाओ, अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सी वेक्टर भैया अंदर है, आ गया। तो दो ही इजी थे मेरे पास, दो मैंने इजी दे दिए। आओ नेक्स्ट थर्ड वाला। तो ए वेक्टर तो यहां है लेकिन भैया जो बी वेक्टर हैं वो अंदर है। अब चुप रहिए प्रिया, ए वेक्टर उधर है, बी वेक्टर अंदर है, किधर होगा बोलो बेटा आंसर? ऊपर, सही बोल रही है क्या? ए इधर बी उधर, ऊपर आ गया भाई साहब, तो सी वेक्टर इधर। इलेवेंथ में कराया नहीं। नेक्स्ट फोर्थ, बहुत हो गया इजी इजी, एक और। हाँ तुमसे पूछेंगे, चिंता करो, ये ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, बता किधर है? गलत है, गलत बात हूं सारे। सही जवाब, एकदम सही जवाब है लड़का। क्या ए बाहर है? ए बाहर है और बी किधर है? बी किधर है? बी सी में। इजी था बेटा, इजी। अगला हाँ दे दो, इसलिए पूछूंगा और कोई बोलना मत। मैं क्यों खून पी रहा मेरा? सोचने दे, आप कुछ गंदा है उल्लू तुम। 180 डिग्री पर कोई क्रॉस पॉइंट नहीं होता है कुछ भी। ए वेक्टर यहां है, और गलत बता दो। ए वेक्टर बाहर है, बी वेक्टर इधर है, हाथ बाहर रखो ऐसे। अब हाथ घुमाना, उंगलियां कहां घुमानी है? इधर, तो हाथ ऐसे घूम नहीं पाई, तो हाथ भी घुमा दो। अच्छा अब ठीक है, तो मैंने सिखाया था। गुड, दिस वॉज डिफिकल्ट, नो डाउट। हमेशा हाथ घुमाना आसान, कितने लोग नहीं घुमा पा रहे हाथ, सच बोलो? आखिर नहीं घूमते नहीं घुमा अभी ओ छोड़ो। बहुत बढ़िया, आज का मुद्दा जो था और आज की क्लास बड़ी सही रही, सारे के सारे प्रश्न आप कर पाए और बायट सेवेट लॉ हो गया पूरा। अगली क्लास में पढ़ाऊंगा डेरिवेशन ये वाला। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।